तो जैसा कि हम लोगों ने एशियन मिथिक के लास्ट एपिसोड में देखा था, वेंगाव इस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर में चला जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को वेंगाव को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एंट्री लेता है। लेकिन तभी एक आदमी बोलता है, लोअर रेलम का एक आदमी जिसे ड्रैगन फ्लेम किंग के नाम से जाना जाता है, और वो इस जगह पर आ गया है। और इसके लिए अच्छा यही होगा कि वो इस जगह से चुपचाप चला जाए, नहीं तो वो इस जगह पर मारा जाएगा। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर वेंगाव भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है स्पिरिचुअल मॉन्क को आखिरकार क्या हुआ है, जो कि इस जगह पर वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। इस पर छोटू ड्रैगन भी बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता है। इस पर वेंगाव बोलता है, तो ठीक है, अंदर क्या चल रहा है इस चीज का पता हम लोगों को खुद लगाना होगा। और वो ये बोलकर इस सिटी के अंदर चला जाता है। और वेंगाव और ये छुटकी ड्रैगन इस मार्केट में घूमने लगते हैं, और छुटकी ड्रैगन इस चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा शांत हैं। लेकिन तभी छुटकी ड्रैगन को यहाँ पर मछली की गंध आ जाती है, जिसकी वजह से वो बोलता है गिल्ड फिश वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, आखिरकार वो किस जगह पर बन रही है। और वो ये बोलकर उस तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वेंगाव उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, और क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये सब एक जाल भी हो सकता है, इसलिए तुम मेरे साथ रहो नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम लोग इस जगह पर जिस काम के लिए आए हैं सबसे पहले इस काम को कर लेते हैं। और वो ये बोलकर इस स्क्रोल को यहाँ पर अपेयर कर लेता है, और वो स्क्रोल को सभी लोगों को दिखाने लगता है। और वो बोलता है क्या तुम लोगों ने इस लड़की को कहीं पर देखा है। इस पर ये ओल्ड आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, और वो एक टोकन को वेंगाव को दिखा देता है, जिसे देखकर वेंगाव और छुटकू ड्रैगन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये ओल्ड आदमी इन लोगों को बोलना क्या चाहता है। इस चीज को देखकर ये ओल्ड आदमी आगे की ओर पर जाता है। इसके बाद वेंगाव इस दुकानदार को पूछने लगता है कि क्या तुमने इस लड़की को कहीं पर देखा है। इस पर ये दुकानदार बोलता है मैंने उसे कहीं पर भी नहीं देखा है, और वो अभी इस टोकन को यहाँ पर वेंगाव को दिखा देता है। इस चीज को देखकर छुटकू ड्रैगन बोलता है क्या इस मार्केट में जितने भी लोग हैं वो लोग बात नहीं कर सकते हैं, जो कि वो लोग अपने साथ में एक बैच लेकर घूम रहे हैं। इस पर वेंगाव बोलता है जरूर से इस मार्केट में कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी हम लोगों को छुटकू ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि इस मछली को खाने के लिए चला गया होता है, लेकिन यह दुकानदार उसे दूर कर लेता है। और इस चीज के बारे में इस भेड़िए को भी पता चल गया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही तेजी के साथ में इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन ये आदमी इन लोगों को बोलता है तुम लोग इस जगह पर शांत हो जाओ, नहीं तो तुम लोगों की जान भी जा सकती है। और ये आदमी ये सब कुछ इन लोगों को इशारे में बता रहा होता है, लेकिन ये भेड़िया बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। इस चीज को देखकर ये आदमी इस मछली को इस भेड़िए को खाने के लिए दे देता है, लेकिन इस भेड़िए को इसका स्वाद पसंद नहीं आता है, और वो इस आदमी के ऊपर ही हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस आदमी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। लेकिन फिर भी वो इस भेड़िए को बोलता है तुम मुझे जाने दो, और मुझसे जो भी गलती हुई मैं इस चीज के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। इस चीज को देखकर वेंगाव और छुटकू ड्रैगन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इस आदमी को क्या हो गया है, जो कि वह इस भेड़िए से माफी मांग रहा है। और वेंगाव इस भेड़िए के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह इस जगह पर ही मारा जाता है, जिसे देखकर यह आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो इस भेड़िए को बोलने लगता है क्यांग देतियान क्या तुम ठीक हो, और तुम मुझे यहाँ पर मेरी गलती के लिए माफ कर दो। और वो ये बोलकर इस जगह पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंगाव ने इस आदमी को हील कर दिया होता है, जिसकी वजह से वह यहाँ पर ठीक हो गया होता है। और वो बोलता है मुझे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं जिंदा बच गया। इस पर छुटकू ड्रैगन इस आदमी को बोलता है तुम बात कर सकते हो, फिर तुमने हम लोगों के साथ बात क्यों नहीं की। इस पर यह आदमी अपने मुंह को बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके घाव के ऊपर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से ठीक हो गया होता है। इस पर ये बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे मेडिसिन किसने दी है, और तुम लोगों को यह किस जगह पर मिली थी। इस पर छुटकू ड्रैगन इसके दुकान की तरफ दिखा देता है, जिसकी वजह से यह आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो बोलता है क्या तुम लोगों ने मेरे दुकान के मेडिसिन को यूज किया है, अब इस चीज की वजह से मुझे और अब इस चीज की वजह से मुझे जुआन दाऊस एक्ट के द्वारा मार दिया जाएगा, और मैं यह चीज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इससे पहले कि वो लोग मुझे मार डाले मैं खुद ही इस जगह पर अपनी जान को ले लूंगा, इस चीज की वजह से मुझे एक आसान मौत मिलेगी। और वो ये बोलकर अपनी जान को यहाँ पर लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी वेंगाव उसे ऐसा करने से रोक देता है, और वो बोलता है तुम यहाँ पर जुआन दाऊस एक्ट के बारे में बोल रहे थे, आखिरकार वो सेक्ट क्या करता है। इस पर ये आदमी यहाँ पर जुआन दाऊस एक्ट के बारे में बताने लगता है कि हम सभी लोग जुआन दाऊस एक्ट से बिलोंग करते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा बुरा सेक्ट है, और मैंने यहाँ पर जुआन दाऊस एक्ट के एक रूल को ब्रेक कर दिया है, इसकी वजह से अब वो लोग आकर मुझे इस जगह पर मार डालेंगे, और मैं तुम लोगों के अच्छे के लिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग अपनी जगह से मत हिलना, नहीं तो वो लोग इस जगह पर बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। इस पर छुटकू ड्रैगन बोलता है ये आदमी इस जगह पर कैसी बातें कर रहा है। इस पर ये आदमी बोलता है कुछ देर में इस जगह पर जुआन दाऊस एक्ट के मेंबर आ जाएंगे, और इस आदमी की अब बोलने की ही देरी थी, तभी इस जगह पर जुआन दाऊस एक्ट के दो डिसाइपल आ जाते हैं, और वो यहाँ पर वेंगाव को बोलने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर जुआन दाऊस एक्ट के रूल को ब्रेक किया है, इसलिए तुम्हें हम लोगों के साथ जाना होगा, और अगर तुमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया तो तुम अपने हाथ
साथ या पैर में से किसी एक को काट लो तो हम लोग तुम्हें इस जगह पर जिंदा छोड़ देंगे, क्योंकि तुमने यहाँ पर हम लोगों के जुआन दाऊ सेक्ट के मेडिसिन को यूज करने की हिम्मत की है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा। इस पर बेंगा बोलता है, क्या सच में तुम लोग जुआन दाऊ सेक्ट के डिसाइपल हो? और वो यह बोलकर इन लोगों के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन लोगों की मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देख करके आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, तुम लोगों ने यहाँ पर ये क्या कर दिया? इस पर छुटकू ड्रैगन बोलता है, जो भी यहाँ पर दूसरों को परेशान करने की हिम्मत करेगा उसका अंजाम यही होगा। लेकिन तभी बेंगा बोलता है, तुम लोग इस जगह पर छुप छुप कर क्या देख रहे हो? तुम लोग भी इस जगह पर बाहर निकल जाओ। बेंगा की यह बोलने की देरी थी, तभी आसमान में रेड कलर की एनर्जी छा जाती है और उससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर बेंगा के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। इस चीज को देखकर बेंगा भी यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर से इस थंडर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यह रेड कलर का थंडर यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस रेड कलर के बादलों के बीच में जो आदमी छुपा हुआ होता है वह नीचे की ओर गिर जाता है। लेकिन इस एल्डर ने यहाँ पर अपने आप को संभाल लिया होता है और वो बेंगा को बोलता है, क्या तुम यहाँ पर फर्स्ट लेवल ऑफ कांगलांग के एक कल्टीवेटर का सामना कर सकते हो, जो कि तुम यहाँ पर हम लोगों के सेक्ट के साथ पंगा ले रहे हो? लेकिन सच में तुम्हारे अंदर कोई बात है जिसकी वजह से मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हम लोगों के जुआन दाऊ सेक्ट में शामिल हो जाओ, और अगर तुमने यहाँ पर ऐसा किया तो मैं इस चीज की वजह से तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। और भैया बोलकर इस टोकन को बेंगा की तरफ फेंक देता है, लेकिन बेंगा इस टोकन को यहाँ पर दो टुकड़ों में काट कर इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है और वो बोलता है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम लोगों के सेक्ट के साथ शामिल हो जाऊंगा? इस पर ये एल्डर बोलता है, तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम्हारी इस जगह पर जान लेने वाला है। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम अचानक से बदल जाता है। इस चीज को देख करके आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, शायद से अब यहाँ पर इस आदमी को कोई बचा सकता है। इस पर छुटकू ड्रैगन बेंगा को बोलता है, सच में यह चीज थोड़ी सी पावरफुल है, इसलिए हम लोगों को इसके साथ अच्छे से फाइट करना होगा। इस पर बेंगा बोलता है, मैंने आज तक हेवन के ऊपर ही विश्वास नहीं किया है, तो मैं डिवाइन पनिशमेंट के ऊपर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? और वो ये बोलने के बाद मैं यहाँ पर अपने ड्रैगन को समन कर लेता है और उससे इस चीज के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बेंगा का ड्रैगन एक ही झटके में इस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यह एल्डर भी यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और वो बेंगा को बोलता है, तुम कांगलांग के इस फॉर्मेशन को तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर जिस चीज को समन करने वाला हूँ तुम इस चीज को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। और वो ये बोलकर ब्लड स्पिरिट बैनर को यहाँ पर समन कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और इस चीज को देखकर छुटकू ड्रैगन बोलता है, इस चीज की वजह से इस आदमी की जान भी जा सकती है, लेकिन वो अपने आखिरी दम तक तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता है बेंगा। लेकिन तब तक इस एल्डर ने अपने ब्लड स्पिरिट बैनर से बेंगा के ऊपर हमला कर दिया होता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर बेंगा भी एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में ठंडर की एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन तभी ब्लड स्पिरिट बैनर अपनी एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है, जिसे देखने के बाद ये छुटकू ड्रैगन बेंगा को बोलता है, ये सब एक इल्यूजन है, इसलिए तुम्हें इससे बचकर रहना होगा। लेकिन तब तक इस एल्डर ने अचानक से बेंगा के ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन बेंगा ने भी इस अटैक को टाइम रहते ही डॉज कर लिया होता है और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। लेकिन वह दोबारा से बेंगा के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर बेंगा भी यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पंच को क्रिएट कर लेता है और उससे इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे यह एल्डर यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन बेंगा का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है और वो इस बार बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और इस चीज का फायदा उठाकर बेंगा इस एल्डर के पास जाकर बोलता है, क्या तुमने इस लड़की को कहीं पर देखा है? इस पर यह एल्डर बोलता है, ये तो वांगलिंग है। इस बात को सुनकर यहाँ पर बेंगा थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन तभी इस एल्डर की बॉडी में यहाँ पर कुछ होने लगती है, जिसकी वजह से इसकी मौत इस जगह पर हो जाती है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर बेंगा भी थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन तभी छुटकू ड्रैगन बोलता है, जैसे इसने यहाँ पर वांगलिंग का नाम लिया उसकी बॉडी यहाँ पर ब्लास्ट होगी और मुझे जहाँ तक लगता है कि मिसलिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम लोगों को उससे बचकर रहना होगा, क्योंकि उसकी पावर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस जगह पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग मारे गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर वांगलिंग के बारे में किससे पूछेंगे? इस पर बेंगा छुटकू ड्रैगन को कुछ भी नहीं बोलता है और वो इस आदमी के पास जाकर अपने हाथों में रस्सियों को बांध लेता है। इस चीज को देखकर यह आदमी भी थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को कल अपलोड कर दूंगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।